करें अम्मी, आप ठीक हैं? मैं बहुत बहुत घबरा गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता खुदा न खास्ता तो मैं तो मर ही जाती अम्मी। कैसे आई मैं उस अस्पताल में? अम्मी वो फरहीन, मैं मेडिसिंस ले आया हूँ और जूसेस भी हैं। प्लीज़ पहले तुम पी लो। तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। प्लीज़ तुम देखो, मैं पीती हूँ अभी। अब नहीं, मुश्किल है। आंटी, अब कैसी तबीयत है आपकी? फरहीन ने तो आपकी फिक्र में रो रो के अपना बुरा हाल बना लिया। फरीन बताना मैं यहाँ कैसे आई। अम्मी आप प्लीज़, आप लेट ही रहें, अभी आपकी ड्रिप ख़त्म होनी है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि आपको एक हफ्ता कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, और जब तक वीकनेस ख़त्म नहीं हो जाती ना, आपको कोई काम भी नहीं करना है। अम्मी प्लीज़, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना है मेरे लिए। तो क्या घर वापस आ गई? अली से कहा है? हाँ असल में अम्मी, मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा था। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि एक मरतबा आपको देख लूं, इसीलिए बगैर कुछ सोचे मैं घर चली आई। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो आप बेहोश थी और कोई भी नहीं था। अम्मी मैं बहुत डर गई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने समीर को कॉल की, वो अपना काम छोड़ के आया है फौरन। फरीन, ये तो मेरा फर्ज था। अशर और अली से मैंने उन दोनों को बहुत कॉल्स की अम्मी, दोनों ने फोन नहीं पिक किया। ये कोई तरीका है क्या? बिजी होंगे तो तुम्हारी कॉल्स देखी नहीं होंगे। क्या बिजी होंगे? कॉल कर लेना थोड़ी देर में। वैसे भी आंटी को तो अब होश आ गया है ना। शुक्र। तो अशर को फोन मिला के दे, मैंने बात करनी। मिला के दे फोन। ठीक, समीर मेरा फोन आना वहां से। हाँ।